हेलो एवरीवन आप अपने स्क्रीन पे ये बाइक देख पा रहे होंगे एंड मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ कि इस बाइक के बैक साइड पे ये क्या बंधे हुए हैं सो यू विल बी सरप्राइज टू सी कि ये कॉक्स हैं चिकन्स हैं जो इस तरह से बंधे हुए हैं इन्हें उल्टा लटका दिया गया है सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई वे लाइक टू क्लियर कि मेरा मोटो किसी भी पर्सन के सेंटिमेंट्स को हार्म करना बिल्कुल भी नहीं है आई जस्ट वॉन्ट टू स्प्रेड एंड रीज द अवेयरनेस अराउंड अस इज वी ऑल नो कि कॉक्स हमारे फूड कंजम्प्शन का पार्ट है एंड सो माई वीडियो नॉट एट ऑल अबाउट वेजिटेरियंस एंड नॉन वेजीटेरियंस आई जस्ट वॉन्ट टू हाईलाइट कि देर इज अ वे ऑफ डूइंग अ वर्क एंड इट शुड बी इन अ ह्यूमैनिटेरियन वे ये जो कॉक्स को ले जाया जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये फूड के लिए ही यूज होंगे एंड फॉर श्योर दे विल बी किल्ड फॉर डैट बट क्या इस तरह से इन्हें बांध कर उल्टा लटका कर ले जाना सही है और ये जो चिकन्स हैं जो कॉक्स हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं जो उल्टे लटके हुए हैं ऐसा तो नहीं है ना कि ये सिर्फ दो से चार मिनट तक ऐसे रहेंगे सो यू कैन फील द पेन दे वुड बी गोइंग थ्रू इन फैक्ट uh, जब किसी पर्सन को फांसी की पनिशमेंट दी जाती है तब भी uh, यही ट्राई किया जाता है कि ये जितना हो सके उतना ह्यूमैनिटेरियन वे में उसे पनिशमेंट दिया जाए बिफोर हैंगिंग द कल्प्रेट स्टिल डेथ दे आर ऑफर्ड गुड फूड उन्हें न्यू क्लोथ्स दिए जाते हैं एंड देयर लास्ट विश इज़ ऑल्सो ट्राई टू फुलफ़िल सो गाइज़ ये जो चिकन्स हैं जिस तरह से यहाँ बंधे हुए हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये अमानवीय तरीके को रिफ्लेक्ट कर रहा है मैंने ये भी सोचा कि जो भी ये पर्सन ले जा रहे होंगे शायद उनकी कोई मजबूरी रही होगी बिकॉज मे बी उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं होगा टू कैरी दैम ऑल बट जो भी है दिस इज़ रियली अ डिसअपॉइंटिंग वे मैंने यह एक और चीज़ नोटिस किया एंड इट इज़ की इस बाइक पे नंबर प्लेट नहीं है डैट इज़ इस बाइक का कोई नंबर ही नहीं है दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इज़ आल्सो ब्रेकिंग द लॉ इट इज कंसीडर्ड इन टू ड्राइव विदाउट अ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द व्हीकल अब आप में से कुछ लोग शायद इस टॉपिक पे मुझसे ज़्यादा जानते होंगे कि अगर कोई व्हीकल है जब अगर वो पूरा न्यू है और उसे जब शोरूम से बाहर निकालते तब भी आई थिंक कोई टेम्प्ररी रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है तो यहाँ पे वो भी केस नहीं है आई बिलीव कि अगर कोई भी व्हीकल रोड पे चल रहा है अगर वो पब्लिकली यूज़ हो रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ आयर वो टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ मैंशनड हो या जो भी कुछ वहाँ पे मैंशनड होना चाहिए बट एज़ यू कैन सी यहाँ पे कुछ भी मैंशन नहीं है एंड आई बिलीव दिस इज एब्सोल्यूटली वॉयलेटिंग द लॉ सो गाइज आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा डू शेयर योर व्यूज एंड ओपिनियंस इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू